हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? तो फ्रेंड्स, आज का रेसिपी है वेजिटेबल तिहारी। ये विदाउट ऑनियन गार्लिक का आज मैं बना के दिखाऊंगी। आप चाहो तो इसमें ऑनियन एंड गार्लिक भी यूज कर सकते हो। तो ये खाने में बहुत टेस्टी होता है, स्पेशली विंटर में बहुत सारे फ्रेश सब्जी मिलते हैं, उससे आप घर में बहुत आसानी से ये रेसिपी ट्राई कर सकते हो। ये खाने में बहुत ही यम्मी एंड डिलीशियस है। मेहमान आए तो भी आप उन्हें ये बना के खिला सकते हो रायता के साथ। तो चलिए आज मैं दिखाती हूँ ये कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड, भेज तिहारी बनाने के लिए हम मैंने लिया है सब्जी। सब्जियों में है फूलगोभी, बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। दो टमाटर, इसे भी मैं बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। एक कैप्सिकम, इसे भी मैं स्क्वायर शेपों में काट लिया है। एक आलू बड़े बड़े टुकड़ों में कटा हुआ, और मटर, आप चाहो तो कैरेट एंड बीन्स भी ऐड कर सकते हो। और यहाँ मैंने 2 कप बासमती राइस को 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया है। और यहाँ मैं 2 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्च को मिक्सी में पीस लिया है। कढ़ाई में मैं यहाँ पे 3 टेबलस्पून व्हाइट ऑयल गरम कर लिया है। अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी डालूंगी, और गोभी और आलू को मैं फ्राई कर लूंगी। गैस का फ्लेम लो करके इसको मैं ढक दूंगी। 2 मिनट में ये सॉफ्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, 2 मिनट हो गया है, गोभी हल्का सा लाल हो गया है। अब मैं इसके बीच में थोड़ी सी जगह बना लूंगी, और इसमें मैं पेस्ट किया हुआ मसाला अदरक एंड हरी मिर्च दूंगी, डाल दूंगी। और इसमें अब मैं ऐड करूंगी 1/2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर एंड 1 टीस्पून धनिया पाउडर, और ऐड करूंगी मैं स्वाद अनुसार नमक। मसाले को अच्छे से सौते करना है। मसाला मेरा सौते हो गया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1/2 कप पानी, और अभी मैं इसमें ऐड करूंगी कैप्सिकम एंड मटर। सब्जी मेरा ऑलमोस्ट फ्राई हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी चावल को सब्जी और मसालों के साथ अच्छे से मिला लेना है हमें। सब्जी और चावल मैंने मिला लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी टमाटर, चावल एंड सब्जी मेरा फ्राई हो गया है। अब मैं इसमें पानी ऐड करूंगी। चावल में हमेशा मैं गुनगुना गर्म पानी यूज करती हूँ। यहाँ मैंने लिया है 2 कप चावल, तो हमें डबल पानी यूज करना है, 4 कप
पानी मैं डालूंगी। और गैस का फ्लेम मीडियम में रखूंगी। बॉइल आने के बाद, चावल और सब्जी में उबाल आने के बाद मैं गैस का फ्लेम लो कर दूंगी। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं, चावल ऑलमोस्ट बॉइल्ड हो गया है। देखिए बहुत बढ़िया खुशबू निकल रही है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टीस्पून चीनी। शुगर ये ऑप्शनल है, बट तिहारी में चीनी का स्वाद अच्छा लगता है, मीठा मीठा, हल्का मीठा मीठा, खट्टा खट्टा। और अभी मैं यूज करूंगी 1/2 नींबू का जूस। एंड ग्रीन करियंडर लीव्स, हरा धनिया एंड 2 हरी मिर्च को चीरा लगा लिया है। और इसे मैं मीडियम फ्लेम में ढक के 5 मिनट और कुक कर लूंगी। तो फ्रेंड्स मेरा वेजिटेबल तिहारी बनके तैयार है। अब मैं इसे कढ़ाई से निकाल लूंगी। उससे पहले मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टीस्पून शाही गरम मसाला एंड 1 टीस्पून देसी घी। तो चलिए अब मैं इसे कढ़ाई से निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स ये है मेरा वेजिटेबल तिहारी। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी एंड यम्मी है। इस रेसिपी को आप प्लीज घर पे ट्राई करना। अगर रेसिपी अच्छे लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्रेस बेल बटन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशन। थैंक यू।